मॉर्निंग, मैंने आज सोचा है आप लोगों के साथ मेरा फुल डे रूटीन व्लॉग मैं शेयर करूंगी। एक्चुअली इंडियन मॉम पूरा दिन क्या करती है, तो सुबह उठते ही किचन में तो आना ही पड़ता है मॉम्स को। तो जो भी है, सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं थोड़ा सा ल्यूकोम वाटर लेती हूँ सुबह सुबह, आजकल शुरू किया है, देखते हैं कब तक ये चलेगा। और गोभी का पराठा मेरे हाउस मेड ने बना के गई थी वो हेल्पर ने, तो अभी अभी जस्ट गोभी का पराठा एंड चाय किया है। वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बेबी उठ गया था और उसको लेकर बैठी थी, तो उसे भी थोड़ा खिला रही थी, हम भी थोड़ा खा रहे थे। वो उसने भी दूध बिस्किट सुबह लिया है। और अभी सुबह सुबह देखिए दोनों गैस, सुबह क्या 10:30 बजने वाले हैं, जल्दी जल्दी अभी हाथ चलाना है। तो यहाँ पे उसका बॉटल बॉयल हो रहा है और यहाँ पे उसका एप्पल बॉयल हो रहा है चीकू का। और यहाँ पे हमारी सब्जी उसने कट करके रख गई है, अब मैं एक एक करके बना दूंगी क्योंकि वेजिटे है बंगाली स्टाइल में, वो हमारे स्टाइल में वो सब्जी बना नहीं पाती है, नहीं तो वो खाना बना देती है। तो ये सब बनाना है एंड घर के छोटे मोटे काम भी करना है, तो चलिए मेरे साथ लगे रहिए। तो ये देखिए एकदम मशीन के जैसे काम चल रहा है, बहुत ही जल्दी जल्दी हाथ चला के कर रही हूँ। इधर साग मैंने चढ़ा दिया था तो साग में से पानी निकल रहा है और बस इसे सूखने की जितनी देरी है, मीठा डाल के थोड़ा, हमारा खाना मीठा, मतलब बंगालीज मीठा के बिना, थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह में भी मीठा डालते हैं, तो मीठे के बिना नहीं चलता है। और यहाँ पे करेले की एक मिक्स भाजी बन रही है जो मैंने अच्छे से फ्राई की, 5 फोरन डालकर एंड नमक हल्दी के साथ ढक के रख दिया था। बस अभी इसका बॉयल होने का देर है, बॉयल होने के बाद सूखी सूखी ये वाली सब्जी बन जाएगी। इसमें आलू है, करेला है एंड बैंगन है, तो इसे हम चौकचरी बोलते हैं, उच्छे चौकचरी। तो इसमें अगर सरसों का पेस्ट डालते हो तो और भी टेस्टी बनता है, पर नहीं डालते आज क्योंकि हमारी मिक्सी ग्राइंडर ख़राब हो गई है, वो चल नहीं रहा है। यहाँ पे बेसन का मैंने बैटर बना लिया, इसके साथ ये वाली मिक्स सब्जी बनेगी, तो ये मैं जब बनाऊंगी तब बोलूंगी। और यहाँ पे बेबी का खिचड़ी भी रेडी कर लिया है नमक हल्दी के साथ, उसका एप्पल बॉयल निकाल के रखा है और ये साफ करने हैं। और वहाँ पे बेबी का वो जो स्टील की बॉटल है वो भी आज साफ करने हैं और हमारे बॉटल भी आज साफ करने हैं। नींबू के साथ मैं करती हूँ, नींबू और पानी देकर मैंने इसमें शेक करके रख दिया है। तो चलो, कैमरा सेट करने का भी टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चलाना है क्योंकि 11 बजे तक मुझे बेबी को लेना है, उसे खिलाना भी है, ऑयल भी मसाज करनी है। मैंने वो पहले साग और वो करेले की सब्जी मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दी है बर्तनों में, इसी बीच मैंने बेबी को ऑयल भी मसाज कर दिया, उसको एप्पल भी खिला दिया। और इसी बीच देखिए इधर दाल की पकौड़ी बन रही है, ये पकौड़ी जो है इस सब्जी में जाएंगी। इसमें दाल बड़ी भी डालते हैं कोई कोई, या बेसन की पकौड़ी डालते हैं या कोई कोई दाल की पकौड़ी भी डालते हैं। तो आज जैसे कि मैंने बोला, हमारी मिक्सी थोड़ी ख़राब हो गई है तो इसीलिए मैं इसमें बेसन की पकौड़ी डालूंगी और इसमें जीरा, सरसों और मतलब जीरा राई और अदरक का पेस्ट जाता है, पर मैं ऐसे प्लेन बनाऊंगी। मैंने इसमें राई और जीरा का छौंक लगाया है, आलू है, परवल है, बैंगन है एंड अरबी है, लंबे लंबे कट करके, पतले कट करके बोला था उसको, तो वही मैं बना रही हूँ। तो बस प्लेन ही बनाऊंगी, नमक हल्दी के साथ ढक के रख दूंगी, दम पानी डाल दूंगी, बॉयल हो जाएगा, अच्छे से सब बॉयल हो जाएंगे, पक जाएंगे, तब मैं ये बेसन की पकौड़ियाँ उसमें डाल दूंगी। और बस एकदम पूरा एकदम पानी वाली भी नहीं रहेगा, एकदम सूखा भी नहीं होगा, वैसे एक कड़ी रहेगी तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। पर पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि पकौड़ियाँ जाएंगी तो पकौड़ियाँ पानी खींच लेंगी। तो वेज डे में वेज रेसिपीज हमारे यहाँ पे ये बहुत फेमस है और मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, मुझे मम्मी का हाथ तो बहुत अच्छा लगता है, पर अभी मुझे मेरे हाथ से ही खाना पड़ेगा। तो लगभग देखिए मेरा काम होने वाला है, यहाँ पे मेरी सब्जी बॉयल लेनी शुरू हो गई है और यहाँ पे मेरी पकौड़े भी बन गए हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी वाले, सिर्फ बेसन के पकौड़े कलौंजी डाल के बनाई है। और यहाँ पे सब्जी तो रेडी है, बेबी का खिचड़ी मैंने चढ़ा दिया है, बेबी के लिए मौसम्बी मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है, वो उठेगा जब उसे पिलाऊंगी। एंड थोड़ा बहुत मैंने किचन समेट भी लिया है, उसके साथ साथ हमारे फ्रूट्स भी कट कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने पूरा पपीता कट करके थोड़ा सा फ्रिज में रख दिया और ये हम आज के लिए। और यहाँ पे है, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, सो ये वाला फ्रूट्स अभी हम खाएंगे छिलका उतार कर, नया आया है मार्केट में, मतलब सीजन हो गया है। तो चलिए इसके साथ साथ घर के दूसरे काम भी कर लेते हैं। तो फाइनली मेरा नहाना, पूजा करना, देन बेबी का नहाना, उसका खाना वगैरह सब कुछ हो गया है और अभी मैं बैठी हूँ लंच करने के लिए। बेबी का भी हो गया है, हस्बैंड का भी हो गया, सैटरडे है, हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तो बेबी को लेकर वो छत पे गए हैं क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे ठंड हो गई है,
तो ठंड की वजह से थोड़ी बहुत धूप अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मेरा जो थाली है रेडी है, ये करेले की सब्जी थी, ये साग था एंड ये थोड़े पकौड़े। तो मतलब होते होते ही 2-3 मैंने खा लिए, ज़्यादातर रोटी थी एक एंड यहाँ पे जो पकौड़े वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है। मेरे हस्बैंड ने कहा है, मैंने अभी तक खाई नहीं है पर बहुत अच्छी लगती है। तो इसके बाद हम लोगों को थोड़ा मार्केट भी जाना है, तो इसके बाद प्रिपेयर होंगे तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। जैसे ही आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने लंच किया, मतलब मैंने लंच वंच किया और थोड़ा सा रेस्ट लिया 15 मिनट के आसपास। देन उसे भी रेडी कर दिया और मैं भी रेडी हो गई हूँ, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं। तो हम सब जा रहे हैं अभी मार्केट। तो मार्केट जाने की ज़रूरत थी, अभी तो उसको नींद नहीं आएगी क्योंकि उसने नहाने से पहले 1.5-2 घंटा आराम से सो लिया था। तो अभी वो खेलेगा, हमने सोचा दोपहर को ही मार्केट घूम के आते हैं क्योंकि शाम को वो सोने वाला है, तब नहीं जा पाएंगे, हंस रहा है। तो इसीलिए बस जल्दी जल्दी रेडी हुई हो, क्योंकि खाना खा के आजकल सोने की आदत हो गई है, तो इसीलिए थोड़ा टायर्ड लग रहा है। पर ये भी बहुत ज़रूरी है, थोड़े बहुत घर के सामान एंड कुछ और भी चीज़ें चाहिए उसको, उसके ठंड के कपड़े। तो घूम के आते हैं, कल संडे है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो आज ही घूम के आते हैं। हम लोग मार्केट से आ गए थे, हो गया है 1/2 घंटा हो गया है, आ गए थे। देन उसे फ्रेश किया मैंने, मैं भी फ्रेश हुई। देन चिको भी सो गया, उसे बहुत नींद भी आ रही थी, जैसे कहा वो दोपहर को सोता है। एंड अभी हमारे यहाँ पे अमेज़ोन की अनपैकिंग हो रही है, इसका मैं फुल एक अलग से वीडियो दूंगी कि अमेज़ोन से, और भी मंडे को भी आने वाला है एंड वेनसडे पे भी आने वाला है, तो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से एंड दिवाली धमाका भी शुरू हो गया, तो वही सब अब हुआ। एंड चलिए चाय वाय पीते हैं, चाय अभी तक नहीं पी है तो चाय पीने जाते हैं। मैंने सोचा कुछ शॉपिंग जो करके आए हैं वो भी आप लोगों को झट से दिखा देते हैं, फिर मैं इसे अच्छे से रख दूँगी एंड कल धूप भी लगाने हैं। तो यहाँ पे दिवाली ऑफ़र भी चल रहा है, तो इसीलिए दिवाली से ऑफ़र से मुझे लोशंस मिला है, जो बॉडी लोशन है, बॉडी लोशन है, घी है, जो किचन का जो सामान है, मैंने हेना लिया है, बहुत दिन हो गए हेना नहीं दिया है। एंड ऑल्सो बेसन है, बिस्किट्स है, दाल है, सब्जी मसाला, ब्लैक पेपर एंड वहाँ पे छोटे छोटे 4 कंटेनर है जो ओनली 40 रुपीज़ में मिले हैं। तो उस कंटेनर में बेबी का फूड वगैरह रखने में आसानी होती है, तो इसीलिए यहाँ पे छोटे छोटे जो पाउच हैं बेबी की चीज़ें रखने हैं, इसीलिए ये पाउच लिए हैं। यदि बेबी के इनर गारमेंट्स, ये क्या दिखाऊँ, हाँ ये दिखाने वाले ये हैं जो फुल टी शर्ट, अभी तो वही सीज़न है वही लगेगा। सो ये है प्लेन प्लेन फुल टी शर्ट। सो ये जो टी शर्ट्स हैं ये विंटर में पहनने के लिए हैं, ये थोड़े मोटे में हैं एंड सबके प्राइस, इनके प्राइस 129 है, इसका प्राइस है 109, ये भी 129 ही है। ये वाले जो विंटर में पहनने वाले टी शर्ट्स हैं ये भी वही है, और ये भी आई थिंक, हाँ सब भी ऐसे ही हैं। ये वाला मुझे बहुत पसंद आया एंड ये थोड़ा वाइट में है, ये थोड़ा और मोटा है। ओके, सो यहाँ पे 2 पुलओवर है, एक रेड में लिया है बेबी के लिए, तो ये 400 के करीब करीब है, नो ये है 300, 299 एंड ये ज़्यादा पसंद आया था। ओके, एंड यहाँ पे साइड बटन्स भी हैं, स्ट्रेचेबल भी हैं, बहुत बड़ा होके भी थोड़ा पहन सकता है, ये है 400 का। सो यहाँ पे एक लिया है जैकेट, एक ही लिया है, सो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड हम दोनों ने पसंद किया है। एंड ऑल्सो यहाँ पे 2 नीचे पहनने के लिए 2 जीन्स टाइप, तो ये थोड़े से पॉकेट वाले हैं एंड स्ट्रेचेबल है, और यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं आप लोग समझ जाओ, मुझे याद नहीं आ रहा, ये एक है, ये दोनों ही स्ट्रेचेबल हैं। 7 बजने वाले हैं, अभी हम चाय पी रहे हैं, सब कुछ संभालते संभालते, मतलब सब अरेंज करके रखते रखते टाइम हो गया। यहाँ पे अभी भी कपड़े हैं, रात की रोटी बनानी है, और आज सच्ची में बहुत टायर्ड लग रहा है क्योंकि दोपहर को थोड़ा भी सोना नहीं हुआ और फटाफट काम से काम 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 हो ही जा रहा है। बेबी सो के उठा था और फिर सोने के लिए वो मतलब ऐसा इरिटेटेड हो रहा है कि थोड़ी और उसे नींद चाहिए, और अभी सोएगा तो बस
रात को जगना आज पक्का है। तो अभी चाय पी लेते हैं। पकौड़े बनाने के टाइम जो लास्ट वाला एकदम बचता है ना थोड़ा सा बैटर, इसमें ही थोड़ा एकदम ले ले के उंगली पे ले जो पकौड़े बनते हैं वो ये वाले हैं। तो यहाँ पे बन जाए मेरा रात का डिनर। तो बैंगन के पकौड़े बन रहे हैं जो हम बंगाली बहुत खाते हैं। तो आज रात को ये कट करके रखा था दोपहर के लिए, पर दोपहर को और टाइम नहीं मिला तो इसलिए और नहीं हुआ। फिर सोचे शाम को आके पकौड़े बना के चाय के साथ खाएंगे, तो भी टाइम नहीं मिला। हाँ कि इतना टायर्ड लग रहा था, फिर उनको समेटना ये सब करते करते बस हो गया। तो सोचा रात को खिचड़ी बनाते हैं फाइनल। और जो सब्जी है ना वो सब्जी के साथ रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती, तो यहाँ पे ये खिचड़ी बन गई है मेरी लगभग। और एकदम थोड़ा गाजर मटर और गोभी डालकर जो विंटर स्पेशल खिचड़ी होती है बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे तो हल्का हल्का विंटर हो भी गया है, देखिए धुआं निकल रहा है। सो पकौड़े और ये सब्जी है और यहाँ पे थोड़े और पकौड़े। ये बॉटल मैंने जो आज साफ़ करने का ठेका लिया था ये मेरा कंप्लीट हो गया है। एंड ऑयल कंटेनर मुझे लाना था वो मैं भूल गई लाना, तो इसीलिए अभी तक के लिए यही कंटेनर्स में मैंने बॉटल्स में मैंने ऑयल पोर किया है। यहाँ पे बेबी का दलिया बन गया है, स्मैश भी कर लिया है थोड़ा बहुत घी के साथ। मैं घी ऊपर ऊपर ही देती हूँ, बोलते हैं घी अगर आप कुकिंग करके दोगे तो उतना घी का जो मतलब हेल्थ बेनिफिट्स है वो उतना नहीं लगेगा जब तक आप ऊपर से घी नहीं डालोगे। तो मैं ऊपर से ही घी देती हूँ और इससे मैंने देखा बेबी को फ़ायदा भी हुआ है, उसको वेट गेन हुआ है। बेबी को भी खाना खिलाना है, देन उसे भी मॉइस्चराइज करना है, फिर मैं डिनर करूँगी, फिर किचन पूरा समेटना है। तो आज मतलब टोटली इतना बिजी शेड्यूल रहा है ना मैं क्या बताऊँ। सो जो भी हो मैं आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ एंड फिर मिलते हैं कल। कल बारबेक्यू बन रहा है, देखते हैं क्या बनाए कितना बनाए एंड आप लोगों से ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से हमने इस बार बहुत कुछ लिया है और इस महीने अच्छा खासा खर्चा हो गया है। तो बस फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कुछ के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एवरीवन।